पापा 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 ये क्या कर रहे हो आप? नहीं पापा नहीं, पापा ये गलत है। बर्बाद हो गए, छोड़ दे। पापा बैठो। पापा ये क्या कर रहे थे आप? मैं माँ को बुलाती हूँ। माँ 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 जल्दी चलो, पापा पापा अंदर क्या कर रहे हैं? माँ ये देखो, पापा अपने आप को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। भगवान, ये सब क्या करने जा रहे थे? मुझे किसके सहारे छोड़ के जा रहे? मेरे बारे में एक बार हमने सोचा? शांति जीवन का क्या लाभ क्या फायदा, कैसे जीऊंगा इतना अपमान लेके मैं? इसके घर से लड़की भाग जाए, उस बाप की क्या इज्जत क्या जिंदगी? हमारे पुरखों ने कितनी इज्जत कमा के इस घर को दी थी। अरे हम तो पंचायती आदमी दूसरों के घर का फैसला करते, आज हमारी बेटी हमें समाज में कहा छोड़ कर चली गई। चुप हो जाओ। इतने बड़े तो को लेके मैं कैसे जीऊंगा बता दो। चुप हो जाओ, रो मत, चुप हो जाओ। चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाओगा। आशा बेटी, अब तो इस घर की इज्जत तू ही बचा सके। मनीषा बन के तू मंडप में बैठ जा, तू शादी कर ले। उन्होंने ना तेरी फोटो देखी ना मनीषा की देखी। माँ माँ मैं कैसे किसी को धोखा दे दूं? बेटी धोखा ना है यू, तेरे पापा दुनिया वालों की नजरों में गिर के जिंदा नहीं रह सकते। तू चाह रही है कि मेरे पापा मर जा? नहीं माँ। तो फिर तू शादी कर ले, मैं तेरा आगे हाथ जोड़ू। बेटी माँ, मैं अपने पापा के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं अपने पापा का सर कभी नहीं झुकने दूंगी। करूंगी मैं ये शादी, करूंगी। ओम भूर्भुवस्तु शतुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात् स्वाहा। जिजमान, अब शादी संपन्न हुई। लॉबी नेक दे। ओए तेरा क्या करे एक बने? अरे ड्राइवर मैं था, मैं नेक हूंगा। तू ड्राइवर होगा, मैं देवर लगूं, तू जेट लगा। अबे भुंडी शक्ल के जेट तो तू ही है, देवर मैं हूं। दू क्या कर रहा है? ड्राइवर का नेक दो भाई, मुझे देवर का दे दे। हां ले ले। क्या ले? 100 रुपए में काम चले गया क्या? और कितने लेगा भाई? कम से कम 500 रुपए दे। यानी भाई 500? हां 500 भाई। बाप भी क्या क्या जाते ना बोल ले, चुप काट दे पैसे। अरे यार जान तो दो कम से कम। पैसे दे ले 500, 100 का और दे दे। शांति से निकल ले अब। अच्छा चल भाई ठीक है, चल। सांझ की बोतल का काम हो गया? हो गया हमारा काम। बेटे सीधा पैर मार के अंदर चलो। संजना बहू बहुत सुंदर है। हाँ मेरी बहू लाखों में एक है। गांव में इससे सुंदर ना है कोई भी। मेरी भाभी तो बहुत सुंदर है। हाँ बहुत सुंदर है। मेरी बहू को नजर लगाओगे क्या तुम सब? अरे अमित क्यों घबरा रहा है यार, मेरा ही तो ब्याह होया है, ये तो मेरी तो घरवाली है, ये तो हक है अपना यार। चल यार जो होगा देखा जाएगा। ओए गेट तो लगाया ना। मनीषा देखो मेरे पिताजी नहीं है, मेरी सिर्फ माँ है और वही मेरे लिए सब कुछ है। और मैं ये चाहता हूं कि तुम उनकी सेवा बहू बनकर नहीं बेटी बनकर करो।
वो सिर्फ आपकी ही माँ नहीं है, आज से वो मेरी भी माँ है। और आप उनकी चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, मैं उनका ख्याल पूरा रखूंगी। बस यही तो मैं सुनना चाहता था। अरे क्या सुबह सुबह काम पे लग गई हो, कल हमारी शादी हुई है और तुम सुबह सुबह रसोई में काम करने लग गई। चलो मुझे बात करनी। क्या कर रहे हो मम्मी जी, पूजा कर रही है। मंदिर गई है यार, चलो हाथ छोड़ो। अरे चलो नहीं, अरे अरे चलो भी। क्या कर रहे हो आप? अरे चलो, क्या कर रहे हो? अरे यार। अरे यार तुम सुबह सुबह रसोई में चली गई, कल ही तो हमारी शादी हुई है, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। अच्छा, अब तो शादी हो गई है ना, और अब तो मैं इसी घर में हूँ, तो कभी भी बात कर लेना। अब तुम अगर जाना भी चाहो ना, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। मनीषा। क्या है? मम्मी जी आ गई। मनीषा बेटा, अरे कहाँ गई, मैं मंदिर से प्रसाद लेके आई थी। अब जाओ। अरे अमित बेटा उठ गया? हाँ। ले प्रसाद। माँ मैं नहाने जा रहा हूँ। मम्मी जी मैं खाना बनाती हूँ। अरे बेटा रुक, ले प्रसाद। सर मामत, इसका बाप भी ऐसा ही था। एक बार बताऊ, मक्खी भिड़करी तेरे पर कान नहीं ला दिया मेरी तरफ को। ओए फालतू मत बोलिए धनों के बारे में। क्यों ना बोलू, बोलू हमें रैप के मार दूंगा मुंह पे। अरे मैं छोड़ दूंगा तुझे, दिमाग ना खराब करे। एक काम करे करिए धनो, दिन में सुबह को 6 बजे तक लेकर सांझ के 6 बजे तक धड़ा धड़ 100-200 बार गोबर करिए। अरे धनो इसकी बात तो मनाइए, युवा बेकूप, तू हफ्ते में एक बार गोबर करेगा। हाँ गोबर हफ्ते में, सड़े कभी कबज करेगा, इसका आजमोला भी हजम नहीं होने की। कहा जा? अरे मैं अपनी धनो को भाभी से मिलवाऊंगा। तेरा दिमाग खराब है गोबर ठहले, वो गंजा चुप बैठ जा। राजा साड़े मुंह तो ऐसा बनना तेरा जैसा दोनों गालों में तम्बाकू भर रखा हो। भाभी। हाँ भाई। आओ मैं तुम्हें धनों से मिलूंगा। धनों से? हाँ धनों से, आओ आओ तो सही। अच्छा। इकड़ना गुरन नहीं, आंख में तेजाब गिर दूं मैं तेरी, फिर दिखा रही आंख दिखा रही, दिद्दे काट रही। भाभी तुमने इस घर की एक बेहतरीन चीज वो तो देखी ही नहीं, तुम उससे मिले ही नहीं, जानदार शानदार बेहतरीन और बहुत वफादार चीज। अच्छा कौन है? धन्नो भाभी, धन्नो। धन्नो। हाँ, या जानदार है या बढ़िया चीज है, ऐसी शक्ल तेरी ऐसी इसकी, बात कर रहा है एक बात सुन ले, तू इनका जेठ लगे, जेठ को इतना बोलना शोभा नहीं देता, मैं देवर लगूं, मैं बोलूं इतना। अबे भुंडी शक्ल की, तेरे बाल तो उड़े हुए, तू कहां से देवर लगे? अच्छा देवर तो मैं लगूं? तू लगे देवर? हाँ। तेरा मुंह अपना मुंह देख, ऐसा हो रहा है जैसे दोनों गालों में तम्बाकू भरा क्या हो। और तेरा मुंह देख, तेरा मुंह ऐसा जैसे भैंस के चोट तक पां धर दिया, ऐसे धर दिया हो पां, अपना देख ऐसा लगे जैसे खरबूजे में तिरछा करके ब्लेड मार दिया हो। तेरा मुंह ऐसा लगे तरबूज पे पां धर दिया हो। अरे, अरे तेरा मुंह तो ऐसा लगे जैसे नकता आदमी हो। अरे भैया आप दोनों एक दूसरे की बुराई क्यों कर रहे हो? भाभी जी ये हमारी बुराई नहीं, ये तो हमारा प्यार है। कई बार हमारा प्यार ऐसा हो जा, हमारी नाक लाल हो जा, हमारी आँख काली हो जा, ऐसा भी हो जा। अजय खुन्नम खून हो जा, खुन्नम खून, और जो मेरे बीच में पड़ा है फिर खुन्नम खून वो हो जा। हाँ जी ऐसा ही प्यार है हमारा। अच्छा प्यार है आप दोनों का। लो चाय। चाय ले आई? हाँ।
क्यों जा रहे गुरुजी के पास? क्या बताऊं शांति, जीने की इच्छा सी ना रही, मन उचट गया दुनियादारी से। अब जीना तो पड़ेगा ही। जब से मनीषा गई बस जिंदगी बहुत मुश्किल सी लग रही है। एक वह मेरी बेटी बहुत ख्याल करे थी, वह भी चली गई, बस अब कहीं मैं भी जी ना लग रहा। सोच रहा हूँ कुछ दिन गुरुजी के पास अब रह के आ जाऊं, वहां शांति मिल जाएगी। मेरा जी कैसा लगेगा अकेले का इतने बड़े घर में, बताओ। दिखवाइए काम को, बतेरे लोग हैं यहाँ, मदद करेंगे लोग, हमने लोगों की बहुत मदद कर रखी। एक बात तो बताओ मुझे, कौन तो इस खेती को करेगा, कौन इन ढोर डंगरों की करेगा? मेरे पे तो घर का भी ना होता। शांति में बावला नहीं हूँ, मैंने सारे इंतजाम कर दिए, सारी खेती बटाई पे दे दी, टाइम पे पैसा आ जाएगा, तू चिंता ना मानिए किसी भी बात की, समझ गई? राज सिंह को कह दिया डांगरों की देखभाल वो करेगा, समझ गई? कमला को बोल रखा घर में आ जाया करेगी, सारा काम धंधा वाह करेगी, तुझे दिक्कत ना आने की कुछ भी। और एक बात और भी तो है, मेरी भी इच्छा तू ब्रह्म कुमारी के आश्रम में चली जाया कर, वहां सत्संग सुन लिया करिए, तुझे भी कुछ शांति मिलेगी। जा तो रहे हो पर मेरा भी जीना लगने कहा है अकेले का। अरे निभा ले कुछ दिन, बहुत दिल उदास है। मैंने रात अपने सारे लत्ते लगा दिए थे, मेरा बैग धरा होगा, तू बैग उठा ला। ला रही हूं। लो। मैं तो चलूं फिर है, मैंनू सोच रहा मनीषा की वजह से हम तो आशा की ब्याह के बाद लौट फेर भी ना कर पाए, इस कर मुंह को भी नुई रखा था, कख मारा सहारा बनेगा, इन काम काज को करेगा, उसने भी ऐसे समय पे अपना रंग दिखाया, नाश तुम्हारा हो ही गया। कोई बात ना, तुम ज्यादा टेंशन मत ले। मैं सोच रहा एक बार उस लल्ली के घर को भी होता चला जाऊं, पता तो कर लूं हमारी बेटी कैसे रह रही, क्या दिक्कत। हाँ तो चले जाइयो, कोई भी रीति रिवाज ना करे तो वहाँ को भी चला जाऊं। हाँ चले जाइयो, राज्य खुशी ठीक ठाक का अपना पता ले जाइयो। ठीक है तो वहीं को होता जाऊंगा मैं। ठीक है, गुरुजी के पास जाके ही कुछ शांति सी मिलेगी, लल्ली के पास कोई होता जाऊंगा। ठीक है मम्मी जी। मनीषा। हाँ? पापा जी। बेटा मनीषा। चलो आओ पापा, आप आने वाले हो, आपने बताया भी नहीं। बस मन कर रहा था। मम्मी जी। राम राम जोधरन। राम राम समधी जी। ठीक हो? हाँ। आओ बैठो। आओ पापा।
आओ पापा जी यहाँ पे बैठो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। अरे नहीं बेटा, रहन दे, बेटी के घर का पानी नहीं पिया करता बाप। अरे समधी जी, आप कैसी बात कर रहे हो? अब कौन इतने विचार करता है? आप तो पुराने रीति रिवाजों में उलझे हुए हो अभी तक। अरे ये सब तो पुरानी चीजें थी, अब जमाना बदल चुका है। हमारी बेटी तो वास्तव में इस घर में आके धन्य हो गई सिमदन जी। अरे समधी जी, आपकी बिटिया धन्य नहीं हुई, धन्य तो हम हो गए उसके यहाँ आने से। हमारा घर तो उसने स्वर्ग जैसा बना दिया बिल्कुल। बस क्या बताऊँ, मेरा तो दिल खुश कर रखा उसने, और मैं उसे बेटी मानती हूँ, बहू नहीं मानती। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। पापा पानी लो। ले आई बेटी। देख बेटा, तेरी माँ ने बहुत कुछ भेजा। अरे पापा, इनकी क्या जरूरत थी? अरे बेटा सब... कैसी बात कर दी मम्मी जी आप। अरे मिठाई भेजी तेरी मम्मी ने। ये फल है, ले बेटा। अरे पापा जी, इतना सब इतना क्यों आप लेके आए हो? अरे बेटा ये देख, तुम दोनों के लिए साड़ियां भी भेजी हैं। हाँ पापा, लाल कलर की साड़ी तेरी माँ ने भेजी। बहुत सुंदर है ये मम्मी जी। सिमदन जी की भी है इसमें। अच्छा ठीक है। समधी जी, इतना खर्चा करने की जरूरत थी? इतना सारा सामान लेके आए हो आप? अजी कैसी बात कर रहे हो, कोई बाप अपनी बिटिया के घर में खाली हाथ आ सकता है? ये तो छोटा सा शगुन है, बाप की तो पता नहीं क्या क्या इच्छा लाने की रहती है। अच्छा अमित नहीं दिखाई दे रहा कहीं भी? खेत पर गया, एक दो घंटे में जाएगा। अरे मैं तो सोच रहा था कि अमित से भी मिल लेता, मुझे तो आज गुरुजी के पास भी जाना है। अच्छा पापा जी, गुरुजी के पास जा रहे हो? हाँ बेटा, गुरुजी के पास जा रहा हूँ। पापा जी मेरा भी बहुत मन था वहाँ जाने का। हाँ तो बेटा अगली बार तुम्हें भी लेके जाऊंगा, अब तो मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा है, टिकट बुक है, अब तो मैं निकलूंगा। नहीं नहीं पापा जी, आपको ऐसे नहीं जाने दूंगी, आप खाना खा के जाएंगे। ना बेटा, अब तो मुझे जान दे, अगली बार आके खाना खाऊंगा। अरे नहीं पापा जी, कैसी बात कर रहे हो, खाना खा के जाना। बस सिमदन जी, आप लोगों से मिल लिया, बिटिया इतनी खुश होगी, काल जेगू ठंडक पड़गी। अरे नहीं समधी जी, ये क्या कर रहे हो, आपने हमें इतनी अच्छी बेटी दे दी, सब कुछ दे दिया। ये तो तमाम उम्र आपका हक रहेगा जी, ये तो लेना पड़ेगा, ले बेटी। नहीं पापा जी, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। ले पापा जी, मैं आपको बाहर तक छोड़ के आऊँ, आप मुझे दो बैग। अच्छा राम राम जी। एक बात तो बता। हाँ पापा जी। खुश तो है, ये तुझे दुखी तो ना करते? ना पापा जी, मैं बहुत खुश हूँ, ये लोग बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देते। सच सच बताइए मेरा बेटा। पापा जी मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा बहुत बढ़िया है। पापा जी घर में सब सही तो है ना? हाँ बेटा सब ठीक है। नहीं कुछ ठीक नहीं है पापा जी। नहीं बेटा सब ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ पापा जी, आप हमेशा जब भी आप सत्संग में जाते हैं, गुरुजी अप्रैल के महीने में सत्संग करते हैं, तो आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? कुछ तो है पापा जी, मुझे बताओ क्या बात है। बेटा मेरा ख्याल करने वाला कौन है, तू भी यहाँ आ गई, एक तेरी बहन ने ऐसा काम कर दिया, गली में सबसे नीचा देख के जाना पड़े। पापा जी नहीं, आपको ना कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप कुछ दिन मेरे पास रुको। बेटा बेटी के घर में कोई बाप नहीं रुक सकता, मुझे जान दे बेटा। पापा जी। बेटा सुखी रहिए, खुश रहिए।
अरे यार, आज तो उसे आना था खाना लेके, अभी तक आई क्यों नहीं? सुनो, आ जाओ खाना खा लो। ऐसा है, ये बहाना ना करो, मैंने आपको देख लिया था नजरें फेरते हुए, आ जाओ। खाना किसे खाना है? भाई करमू, मनीषा की शादी होगी। है? मनीषा की शादी? भोआ हमारे भातनोत ने भी नहीं, जरूर उस बुड्ढे ने नियान दी होगी। भाई एक बात और पता पड़ी है। पता? आशा भाग गई। है? आशा भाग गई? नहीं नहीं नहीं, आशा नहीं भाग सकती। तुम्हारी सारी बात सच हो सकती है, मगर ये बात सच नहीं हो सकती। भाई भाई सच कह रहा हूँ, उनके घर वाले कह रहे हैं। नहीं नहीं, इस बात में कोई गहरा राज है, इस राज का पता मुझे लगाना पड़ेगा। भाई एक बात और पता पड़ी। हाँ। तेरे फूफा ना घर पे वो कुछ दिन के लिए बाहर गए हुए हैं। ये बात तेने सही बताई, अब मेरे लिए आसान हो जाएगा पता करना। बुआ, तू कैसा है अंदर? तेरी हिम्मत कैसे पड़ी घर के अंदर पैर रखने की? बुआ ऐसा मत कह, तू मुझे गाली दे ले, तू मुझे कितना भी बड़ा धर्मी कह ले, मगर मुझे इस घर से मत निकाल। इतना नीच काम करके गया है तू यहाँ, तेरी फिर भी हिम्मत पड़ गई आने की? बुआ मैं पापी हूँ, अधर्मी हूँ, कुछ भी कह ले मगर ऐसा मत बोल। छोड़ दो मेरे पैर, चल फरक। बुआ मुझे माफ कर दे। मर गई तेरी बुआ, हटा। ऐसा मत कर, नहीं तो मैं यहाँ सर पटक 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 के मर जाऊंगा। सिर मत पटक, सिर मत पटक, ये डरावे मत दिखा मुझे। चला जा तू यहाँ से, और तेरे फूफा को पता चल गई ना तो लिखार का भगा देगा मुझे भी घर में से। ऐसा मत कर बुआ, बुआ मैं ऐसा से माफी मांगने आया हूँ, एक बार वो मुझे माफ कर दे, मैं चला जाऊंगा, दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? आशा तो भाग गई। है? आशा भाग गई? ऐसी तो ना थी, किसके साथ भाग गई? अब मुझे क्या पता किसकी गैल भाग गई। और मनीषा? मनीषा की शादी कर दी हमने। अच्छा कहाँ? अरे पीतमपुरा में कर दी अमित के साथ। अच्छा, कहीं से मैंने बता के गलती तो ना कर दी? पर तू चला मत जी वहाँ, कदी मुँह उठा के भगा वक्को। अरे बुआ मैं जो है उसका भाई हूँ, उसके दिल में गलतफहमी होगी मेरे प्रति, मैं सोच रहा था उसे जाके एक बार माफी मांग लूँ। तू वहाँ चला गया ना, तेरा फूफा तुझे तो मारेगा और मुझे जान से मार देगा, आगे समझ में? चल ऐसी बात है तो ना जाने, ठीक है बुआ मैं चल जाऊँ, राम राम बुआ। घर को ही चला जाइए आदमी के जोड़ में। घर ही जाऊंगा बुआ। यूं पता ना फिर कहाँ से आ गया जान। कुछ तो जरूर छुपा रही है बुआ, आशा भगने वाली लड़की तो ना थी। मनीषा से ही पता करना पड़ेगा, मनीषा के ससुराल चलता हूँ। चले इसे तो उतार लो। नहीं नहीं सही। अरे उतारो ना, अरे यहाँ सब चलता है, चलो। देखना बीकानेर कितना बढ़िया लग रहा है, ये गजरौला का फेमस है।
आ गए बेटा? हाँ माँ। माँ देखो मैं कितनी सारी शॉपिंग करके आई हूँ। अच्छा, ये साड़ी आपके लिए। इस वाली का कलर तो तेरे हिसाब से बहुत अच्छा, ये कलर तो बहु बेटियों के लिए। अरे नहीं माँ, आप पे बहुत अच्छा लगेगा ये। अरे कन्नू नन्नू भैया इधर आओ, दोनों को बुलाया दिखा है। ये कपड़े आपके लिए। मेरे हैं? अबे मेरे हैं। तेरे नहीं है ये कपड़े, जेठ को दिए जाते, देवर को दिए जा, समझ गया? अबे भुंडी शकल का, तू ही देख ले देवर कौन सा लगे। मैं लगूं? अरे भैया लड़ो मत, ये आप दोनों के कपड़े। अच्छा हैं, ठीक है चले। यस। मम्मी जी, हाँ? हमने ना गजरौला वाले बीकानेर में बहुत सारी चीजें खाई, गोलगप्पे, टिक्की, डोसा और आइसक्रीम भी खाई। अच्छा हाँ, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। अरे बेटा सुन, चाय भाई छोड़, वो तेरा भाई आया ना, उससे बात कर ले। भाई मनीषा, देख मैं आ गया। ठीक है तू? हाँ जीजा जी, नमस्ते। अच्छा जनाब, शादी में तो दिखाई नहीं दिए। अरे साले साहब, शादी में भी नहीं दिखाई दिए, आज अचानक कैसे? मनीषा तुमने कभी अपने भाई के बारे में बताया नहीं। ये मेरे मामा जी का लड़का है, करम सिंह। अच्छा। अरे बेटा, ये करम सिंह बोल रहा था, इसे किसी काम के सिलसिले में इधर आना हुआ है, दो चार दिन रुकेगा यहाँ। इसको ना इसका कमरा दिखा दे। ठीक है मम्मी जी। अब जैसे ही अचानक घर आ गया। हाँ सही है क्या? जब शादी होती है तो रिश्तेदारी तो चारों तरफ से जुड़ जाती है, अब उसके मामा का लड़का है, किसी काम से आया बेचारा, रुक जाएगा, क्या दिक्कत है यार। नन्नू मुझे तो यो कोई उठाई गिरा सा लगे। यार ये साला मुझे शकल से चोर लगे, इस पे 2-4 लाख का इनाम भी हो सके। हैं? हाँ। एक काम करे, इसे साले को पकड़ के पुलिस में दे देंगे और आधा आधा बांट लेंगे। तेरा बेटा जीता रहे। पर यार कहीं यो मेरी भैंस चोरी करने तो नहीं आया? हाँ यार मुझे भी ऐसा लगा, ये धन्नो को चुराना आया। अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे ठा के पटकूंगा भाई। मैं भी पटकूंगा। हाँ। आधा तू पटकी आधा मैं, और ऊपर से तू पटकी नीचे से मैं, और इसे ऐसा मारेंगे यू किसी को पता भी ना सके कहाँ मारे। हाँ। और ऐसी जगह चोट मारेंगे जो पट्टी करवाता भी सर मारूंगा। ये है तेरा कमरा। कमरा तो ठीक है, मगर एक बात बता, ये तुझे सब मनीषा मनीषा क्यों बोल रहा है? घबराने की बात नहीं है, मुझे सब कुछ बुआ ने बता दिया है, मुझे सब मालूम है। और सुन, मैं सिर्फ तेरे लिए यहाँ पर आया हूँ। करमू मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, चला जा यहाँ से, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहता है तू, चला जा, मुझे जीने दे। जीने तो चला जाता हूँ, उससे पहले एक बार। और भराई उराई हो गई सब? हाँ माँ, वो तो करके आया, अभी वहीं से आ रहा। मम्मी जी अब खाना खा लो। अमित के लिए भी ला दे खाना। मैं अंदर ही खा लूंगा। बड़ी खिलखिला रही है, हम क्या तेरे दुश्मन है? प्यार से दे दे खाना, एक बार दे दे, चला जाऊंगा। छोड़। देख लो जीजा जी, मैं शादी में नहीं आया था, अब तक नाराज है, बहुत मांग रहा हूँ, मेरी देती नहीं माफी। भाई ये तो तुम दोनों भाई बहन के बीच की बात है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। देख ले अब तो जीजा जी ने भी बोल दिया। देख ले, या तो तू अपने आप मुझसे अकेले में मिल ले, नहीं तो तू जानती है मैं कितना बुरा आदमी और क्या क्या कर सकता हूँ। मनीषा छोड़। देखिए शांति की छोरी कैसे आ रही। अरे हाँ इसकी तो शादी हो गई थी, इसने तो कपड़े वपड़े भी ऐसे ही पहन रखे देखिए। अरे मेहमान भी ना आया इसके साथ में।
ना नमस्ते ना दुआ सलाम ना कुछ। माँ खबरदार वहीं रुक जा, तेरी टांग काट दूं जब तन्ने एक कदम भी आगे बढ़ाया। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी घर के अंदर प्यार रखने की? माँ मुझे माफ कर दे माँ, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी माँ, एक बार माफ कर दे माँ। है कौन तो? मैं तो तुझे जानती ना। माँ मैं तेरी बेटी हूँ। मरगी मरगी बेटी तो उस दिन ना जिस दिन तू गई है से। माँ एक बार माफ कर दे माँ, मैं तेरी बेटी तो हूँ। मेरा आदमी चार आदमी में बैठने वाला, तू ना दिल्ले की इज्जत नहीं छोड़ी उनकी, तू ऐसा कुछ हल्का गई है उनकी पगड़ी पे पैर रख के। माँ एक बार माफ कर दे, मर जाता तेरा पिताजी फांसी लगा के, बचा दी आसान है उसने मेरी लिहाज रख दी, जिसे मैं नुई क्या करे अगर मैं तेरी माँ ना हूँ। माँ मैं जिस लड़के के साथ भाग गई थी ना माँ, वो मेरे सारे पैसे और गहने लेके और मुझे धोखा दे के भाग गया माँ। कहाँ जाऊँ माँ, मेरा कौन है इस दुनिया में, यहाँ नहीं आती तो और कहाँ जाऊँ माँ। समझा ना तेरे को बहुत, पर तेरे दिमाग में एक बात नहीं माँ। मेरी आँख खुल गई माँ मेरी, अब मैं उसे समझ गई माँ, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी माँ। पागल इतना अच्छा घर हार इतना अच्छा लड़का है, और तू गांव में किसी से कह मत दिया कि मेरी शादी ना हुई, हमने नू कह रखे गांव वालों से कि हमने अपनी मनीषा की शादी कर दी और अब ससुराल में, और आशा भाग गई, आशा का नाम ले रखा हमने बगड़े का। चल अभी इस बैग को धर अंदर। माँ पिताजी कहाँ, मुझे पिताजी से माफी मांगनी है। तेरे पिताजी तो मरी जाते तेरे चक्कर में, बड़ा मुश्किल संभाला मैंने उन्हें, गुरु जी के आश्रम में भेज रखे, थोड़ी मन को शांति मिल जाओगी, आ जाऊंगी एक दो दिन में। चलिए बैग अंदर धर दे, खबरदार जतन ने मेरे से भी घर बुझे एक पैर भी घर से बाहर धरा। ए भगवान अब के होवेगा। भाई कलमू मनीषा आ गई है क्या? हाँ आ, भाई मैंने खुद देखा। अरे भाई वो तो अंदर अंदर रहे, बाहर भी ना नहीं करती। मनीषा से तो मिलना पड़ेगा, ये तुमने खबर ठीक दी। एक काम करो तुम निकलो, मैं आता हूँ एक दो दिन में। ठीक ठीक है, ठीक है भाई। मनीषा कर्मू तू तू यहाँ कैसे? मैं तुझसे ही मिलना आया था। मुझसे? मेरे से क्या काम है? भुआ कहाँ है? माँ पड़ोस में गई है। तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है, आजा बैठ के बात करेंगे। और मनीषा क्या चल रहा है? कुछ नहीं। अच्छा तू मुझे एक बात बता, तू भी हमें क्यों आई थी? मैं वो मेरे जरूरी एग्जाम चल रहे थे। एग्जाम? हाँ। कोरोना काल में तो सारे एग्जाम बंद पड़े। नहीं एग्जाम चल रहे थे ना मेरे। तू कुछ छुपा रही है? नहीं तो नहीं, मैं कुछ नहीं छुपा रही। तेरा भाइयों तेरी आंखें पढ़नी जानू, मेरी तरफ को देख कर बता। एग्जाम चल रहे थे मेरे सच में। है मनीषा मुझे एक बात बता, तैने शादी क्यों नहीं करी? तेरे नाम से हो रह रही है, बता। यही बात पूछना है वो मैं तुझसे। मैं तेरा भाई हूँ, मुझसे क्यों छुपा रही है? सब कुछ बता दे मुझसे, क्लियर क्या है? मैं एक लड़के के साथ भाग गई। देख तैने बहुत बड़ी गलती करी है, अब तेरी शादी होनी हो जाएगी मुश्किल, आज न कल गांव में तो पता चली जाएगा। और जहां तेरा रिश्ता हो रहा था ना, जो रिश्ता तने छोड़ा वहां शादी हो गई आशा की। अब मेरे पास बहुत बड़ा प्लान है अगर तू मेरा साथ दे तो। अब तू भुआ को संभाल ले और वहां जाएगा उसे तू संभाल लिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। आ, 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 अरे क्या हुआ आपको? दिखाओ। कुछ नहीं। दिखाओ ना। कुछ नहीं। दिखाओ। अरे मजाक कर रहा था मैं। आप हंस रहे हो, मेरी जान निकल गई थी। अच्छा
इतना प्यार करती हूँ मुझसे। मनीषा बेटा झाड़ू न लगी तेरे पे जब सा। क्या सोच रही है तू?
माँ मैं सोच रही थी कि मैंने आशा के साथ बहुत गलत किया है और उसने हमारे घर के लिए क्या कुछ नहीं किया, हमारे घर की इज्जत बचाई है। हाँ करा तो अच्छा ही है उसने हमारे घर की नियो, और मैं तो उसे बड़ी जली कटी सुना कर रही। माँ मैं एक बार आशा से माफी मांगना चाहती हूँ। पर तू जाएगी कैसा वहाँ, हमने तो नू कह रखी है कि आशा भाग गई और मनीषा की शादी कर दी, वो तो मनीषा के नाम से रह रही है वहाँ। मैं आशा बन के चली जाऊंगी माँ। आशा बन के? हाँ। तेरे पिताजी को पता चल गई ना, तुझे तो भगाओगे घर से, मुझे भी भगा देगा तेरी गैल। माँ तू पिताजी को मत बताइए ना यह बात, मैं पिताजी के आने से पहले आ जाऊंगी। आ जाओगी पक्का? हाँ। पर तू वहाँ कुछ गड़बड़ मत कर दे, कभी नाम वाम खोल दे ना माँ। ठीक है तो जा। ठीक है माँ। अरे राजू बैल की नाद दे दिए भाई। क्या नाम बताया था माने, मेरे तो नाम ही याद नहीं आ रहा, मैं तो नाम ही भूल गई। क्या था, सुमित, अमित, अनिल, क्या नाम था, मैं तो नाम ही भूल गई। किसके यहाँ जाऊँ, किससे पूछूँ, एक काम करती हूँ आशा के नाम से पूछ लेती हूँ। अरे भैया सुनना। हाँ जी। मुझे आशा के घर जाना है। आशा? कौन आशा? जिसकी अभी शादी हुई है वो आशा। आशा नाम की कोई शादी नहीं हमारे गांव में। ठीक है भैया। ठीक है जल्दी चलेंगे और फिर बहुत जल्दी आऊंगे वापसी से, और फिर तू भी साथ रही है। सुनिए। हाँ जी। मुझे आशा के घर जाना है। है भाई? हाँ। हम इस गांव के इतने पढ़े लिखे आदमी, इतने इंटेलिजेंट आदमी, इतने होनहार आदमी, इतने पहुँचे हुए आदमी, और यह डायरेक्ट आकर मेरे से राम राम नहीं करी। राम राम नहीं करी, राम राम कर पहले। अच्छा ठीक है, राम राम। हाँ हाँ, अब पूछ क्या पूछना। मुझे आशा के घर जाना है। आशा? ओए आशा धर्मेंद्र की भैंस नहीं है, उसके दौरे ले चल ले, वही छोड़ कर आ जाएंगे, नहीं तो यानू समझेगी इस गांव के होके किसी के बारे में जानते भी नहीं। उसका नाम भी आशा ही है। हाँ चलो आओ जी। आओ, है, है, आ जाओ। चलो चलो आओ आओ जी। ये है जी धर्मेंद्र का घर। अच्छा यहाँ रहती है आशा? हाँ जी धर्मेंद्र की तो है आशा। अच्छा तो आवाज लगा दो आप। लगा दूं? धर्मेंद्र, ओ धर्मेंद्र आ जाएगा, हम चले टाटा। चल भाई। हाँ जी बाय बाय। आय हाय 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 हाय। हाँ जी किससे मिलना? मुझे आशा से मिलना है। आशा से? हाँ जी। के काम है? मैं आशा की बहन हूँ। आशा की बहन? हाँ जी। तुम? हाँ। हो ही नहीं सकता ऐसे, किसे नहीं हो सकता, ऐसे मैं आशा की बहन हूँ। नहीं हो सकता, मैं आशा की बहन हूँ, एक बार मिलवाओ तो सही। आशा से? हाँ हाँ आशा से। चलो आओ। ये रही जी आशा आपकी बहन। ये आशा? हाँ हाँ, हमने अपनी भैंस का भी नाम आशा रख रखा। अरे एक बात बताओ। हाँ। जैसे ही मैं वहाँ पहुँचा। हाँ। पहुँच तो ही खुशबू, खुशबू बहुत बढ़िया आ रही, पता नहीं क्या बन गया। भाभी जी नमस्ते। भाभी जी नमस्ते। नमस्ते भैया। अभी जी क्या बना रही, बहुत खुशबू आ रही। भैया मैं पकौड़ी बना रही हूँ। पकौड़ी खाओगे आप? आपके हाथ की पकौड़ी नहीं खाई हमने, खुआ दो थोड़ी सी, ओला है कहीं तो सड़ी भूसी सी। ओए फालतू मत बोलिए, मैंने छगन लाल के हलवाई के पकौड़ी खवा के तुझे। लाल लाल है पूरी गर्म हो रही। क्या बीच रास्ते पर जानवरों की तरह खा रहे हो? दिमाग ना खराब कर, मेरे घर में हमें दोष दे रहा तू। और फालतू मत बोलियो कबूतर जैसी खोल। और सुन बहन के भाई और ससुराल में जमाई कभी नहीं निपटा। और घर में आड़ा गांव में साड़ा बिल्कुल बढ़िया नहीं लगता। अरे आगना दिखाओ अन्य अंकों में तेजाब निकाल लूँगा। ये क्या लड़ाई झगड़ा लगा रखते हो हर समय, चलो अपने अपने काम करो। ठीक है जी, आपने कहा इस मारो जा रहे हम अन्नी। और नाम चौक के बहुत जाए क्या कहने तन जाने के। अरे मनीषा बेटा अपने भाई को पकौड़ी दे दे। हाँ मम्मी जी। बड़ी तीखी है।
चलो। वो क्या है? बेमानी नहीं करनी उसके है। अंदर थी। नहीं नहीं आपने बेमानी मैंने यहाँ से निकाल ली है। मम्मी जी देख लो ये बेमानी कर रहे हैं। अरे अमित तू बेमानी मत कर, मैं सब देख रही हूँ। अरे बेईमानी ना कर रहे हैं माँ, मैंने यहाँ देखी, यहाँ से निकाल ली मैंने बिच्चो भी। नहीं, नहीं तू बेईमानी कर रहा, मनीषा ठीक बोल रही है। माँ हमेशा तुम भी इसका ही साथ देती रहती हो। अरे वो ठीक बोल रही है। हाँ जी आप कौन? नमस्ते जी। मनीषा? मनीषा, इनका नाम भी मनीषा ही है, जानती हो क्या इन्हें? नहीं नहीं इसका ही नाम मनीषा है, मैं तो इसकी बहन हूँ आशा। अच्छा 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 आशा, एग्जाम की वजह से जो नहीं आ पाई थी शादी में। आओ आओ साली साहिब आ जाओ बैठो। मौसी जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। जीजू नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आशा तू कैसे आई? अरे मनीषा, अरे भाई हमारी साली साहिबा आई हैं, इनके लिए चाय पानी बनाओ, कुछ खातर दवाजा करो इनकी। ला रही हूँ। बैठ जाओ बेटा। और बताओ साली साहिबा, एग्जाम कैसा हुआ तुम्हारा? एग्जाम तो बहुत अच्छी होगी जीजू। पर भाई देखो एक बात से बहुत नाराज है हम, तुम हमारी शादी में नहीं आई। पर चलो अब सारी कसर पूरी कर लेंगे, वैसे भी साली आधी घर वाली जो होती है। देख लो जीजू आधी घरवाली बना रहे हो ना, तो आधी जायदाद भी देनी पड़ेगी। अरे कोई नहीं, तुम तो आधी की बात कर रही हो, पूरी दे देंगे। अच्छा माँ आप बात करो, मैं जरा खेत पर औकाता हूँ। ठीक है जा बेटा। आशा बेटा अब बताओ, वो तुम्हारे पापा वहाँ आश्रम में गए हुए थे ना, वो आ गए वहाँ से? नहीं पिताजी तो अभी नहीं लौटे वहाँ से। मनीषा दीदी आपने ऐसा क्यों किया? तेरे तो मजे ही आ रहे हैं ना, छोड़ना इन बातों को। दीदी बात छोड़ने की नहीं होती, आपको पता है आपके जाने के बाद घर में सब कितना परेशान हो गए थे, पापा कितने परेशान हो गए थे, वो मरने के लिए जा रहे थे, कैसे कैसे उन्हें समझाया है, आपको नहीं करना चाहिए था ऐसा। रहने दो, तेरे तो मजे ही आ रहे हैं ना, इतना अच्छा परिवार मिल गया, इतनी अच्छी सास मिल गई, इतना अच्छा हैंडसम पति मिल गया, तू तो मजे मजे में ही है। दीदी दीदी इस घर में आपकी शादी हो रही थी, मेरी नहीं, मेरी शादी तो मजबूरी में की गई है। अब इसे मजबूरी कह लो या मजबूरी का फायदा उठाना कह लो, तेरे तो मजे ही आ रहे ना। रे तू यहाँ क्या कर रही? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मैं भुंडी शक्ल की यहाँ भी आ ली। कन्नू नन्नू कैसे बात कर रहे हो तुम दोनों, ये मेरी दीदी है। दीदी? हम तो यार दीदा सा लग रही। बेटे हाँ दाल लग सके इस पे काम चला लेंगे। तुम दोनों जाओ अपना काम चला लेगा, मैं चलूंगा चल। देखो ना कितनी बदतमीज है दोनों की दोनों। अरे नहीं नहीं ये दोनों बहुत अच्छे हैं, बस थोड़े शरारती हैं। माँ हाँ ये 50,000 रुपए गन्ने का पेमेंट आया। अच्छा रख लो। अरे नहीं मनीषा को दे दो, वो रख लेगी। अरे तुम ही रख लो। अरे नहीं मनीषा को दे दे। मनीषा आई। हाँ जी क्या बात है? ये गन्ने का पेमेंट आया 50,000 रुपए। अरे इनका मैं क्या करूँगी, आप मम्मी जी को दे दो संभाल लेंगी। अरे नहीं बेटा तुम ही रखो। नहीं नहीं मम्मी जी आप संभाल लीजिए। अरे नहीं रख लो बेटा, अब मेरे बस की नहीं, मैं थक गई, अब तुम ही संभालो इस घर को। अच्छा मम्मी जी। अरे मनीषा कुछ दूध नाश्ता दे दो भाई, खेत पर जाना देर हो रही है। जीजू दूध। क्या बात साली साहिबा, बड़ी सेवा हो रही है आजकल। अभी तुम्हारी घरवाली भी बनना है क्या ना? मतलब मेरा मतलब है कि आधी घरवाली। मम्मी जी को क्या हो गया? अरे क्या हो गया माँ? बेटा घुटने के दर्द से बड़ी परेशान हूँ मैं। मौसी जी मैं आपके घुटनों पे तेल लगा के। क्या हो गया मम्मी जी? अरे बेटा कुछ नहीं, वो घुटने में दर्द है ना, थोड़ा सा भी कुछ लग जाता आप है अंदर तो दुखता है। अरे नहीं बेटा मालिश तो ये कर देगी। तू अमित के लिए कुछ चाय नाश्ते का इंतजाम कर।
ठीक है। नमक डाल दिया चाय में। नमक? माची मैंने तो चीनी डाली थी। तो मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे मैं देखता हूँ। नमक ही डाला हुआ मनीषा इसमें, कहाँ रहता तुम्हारा ध्यान आजकल? नहीं नहीं मैंने चीनी डाली थी, मैंने नमक नहीं डाला। पता नहीं आजकल मनीषा दीदी का ध्यान किधर रहता है। पूरी हो गया। हाय ले भाई पकड़वा। ओहो उठ जा, थक गया बा भाई। जीजू मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आ गई। भाई साली साहिबा आज कैसे है? खाना खुद ही लेके आई हो? आज तो खाने में भी बात कुछ निराली होगी। क्यों नहीं चलो जीजू? भाई खा लेते हैं। जीजू मैं खिला देती हूँ। क्या बात भाई, आज साली साहिबा के हाथों से खाना खाया जाएगा, खाने का अंदाज ही बदल जाएगा, मजा आ गया। ए भाई ये तुझे कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा? मुझे तो दाल में काला लग रहा आज। अरे तुझे दाल में काला लग रहा है, हमें पूरी दाल काली लग रही है। पर एक बात है, हाँ? हम दाल को काली तो काली, हम सफेद भी राउंड दे। तो फिर एक काम कर, फॉर्मूला नंबर 3636। हाँ जी अरे हमें भी खवा दे। तो अपने आप खा लेगा। आ जाएंगे आओ, चलो ये तो अपने आप खा लेगा। अरे इंगे कुआ अरे कहां ले जाओगे मुझे? अरे हम तो ले जाओगे। आओ बैठो जी बैठो बैठो बैठो। जीजू देखो ना ये क्या कर रहे हैं। अरे कोई बात नहीं भाई, साली पे तो इनका बराबर का हक है। लो ना खाओ ना, एक टुकड़ा खवा दो ना दोनों को। खवाओ ना, लो खवाओ मुझे, खवाओ लो पकड़ो ना। अरे मुझे खवाओगी पहले? तू पागल है क्या? मुझे खवाओगी पहले? इसके मार गोली, मुझे खवा पहले। अरे कोई नहीं कोई नहीं, खवाओगी चलता है, खिला दो खिला दो। ले पकड़। अच्छा एक बात बताऊं, हम तो बेफायदे में लड़ रहे थे, इसमें जय कर देवर की क्या बात है? कुछ हमारी साड़ी है, साड़ी साड़ी बराबर दोनों टुकड़ा। एक बात बताऊं, रोज अपने हाथ तक खाना है, मजा नहीं आता कभी। आज तो रोटी मीठी लग रही, लो जी एक और खाइए। ब्रेक अब के मुझे खवाइए पहले। नहीं पहले मुझे भाई, पहले मैं भाई भी देख। तू देख, देख ले तू देख ले, देख लिया ला। है भाई हम लड़ क्यों रहे? हाँ यार यू कहावत है क्या कि बंदरों की लड़ाई में कभी कभी गिद्दड़ फादर खा जा। यह बात सही कह रहा तू। अब एक काम कर, हम लड़ने के नहीं, हम इसे रोटी खाओगे दोनों, एक का टुकड़ा खाओगे। नहीं नहीं मुझे नहीं खानी। नहीं नहीं खानी तो पड़ेगी आपको। जीजू अजी खा लो। जीजू कुछ नहीं होता। नहीं जीजू नहीं ले, थोड़ा सा खा। नहीं पहले मेरे खा, थोड़ा सा खा। एक और टुकड़ा खा ले बस, एक और खा ले। नहीं एक और टुकड़ा, एक और बस, एक और टुकड़ा। अरे एक और देंगे, एक और खा ले। एक और टुकड़ा खा ले ले। ये ऊपर को सब्जी दे। अरे तेरी मार गई, भाग गई, भाग जाना। कोई बात नहीं, रोटी लाओ रे को, फिर कोशिश करेंगे। नहीं कोशिश बाद में करेंगे, पहले तू खा ले। मौसी जी, मौसी जी। अरे मनीषा कहाँ से आई है तू? मैं खेतों में से आ रही हूँ। वो जो इस घर में बंदर रहते हैं ना, तो उन्होंने आज मुझे बहुत परेशान किया है। अरे छोड़, ये बता अमित कहाँ है? खेतों पे। बुढ़िया भी नहीं है और अमित भी नहीं है, आज इसे देखते हैं। अरे खोल, अरे अरे, 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 अरे
अरे मान जा। यहाँ अगर तेरी कुछ ज्यादा हिम्मत बढ़ गई है, तू तो जानती है कर्मों को कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। कर्मों, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे इतने इतने टाइम बाद इतनी खुशियाँ मिली हैं, इतना अच्छा घर मिला है, मुझे जीने दे। तू क्यों मेरी खुशियों में आग लगाना चाहता है? चला जा कर्मू, चला जा। चला जाऊं मैं? तेरी वजह से उस बुड्ढे ने मुझे कितना मारा था, आज भी मुझे बहुत दर्द होता है। उस दर्द को मैं नहीं भूला हूँ और उस दर्द से ज्यादा आज मैं तुझे दर्द दूंगा। कर्मू भैया, बातें करते रहोगे या कुछ करोगे भी? नहीं, नहीं, छोड़ दे कर्मू। छोड़ दे। मनीषा दीदी, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो दीदी, मुझे बचा लो, तुझे बचा लो, चल। लगता है अब ये हमारी बात मान जाएगी और जो हम कहेंगे वही करेगी। मान जाएगी ना, जो बोलूंगा वही करेगी ना? हाँ करूंगी। हाँ छोड़ दे, करूंगी, करेगी। मनीषा देख तेरी बहन रो रही है, मुझे लगता है मुझे दूर ला देगी, मुझसे तेरा रोना नहीं। ए सुन, बहुत हो गई खुशियां, बहुत जी तूने अपनी जिंदगी। ये जो तेरे गले में मंगल सूत्र और मांग सिंदूर है ना, ये सिर्फ मेरा है। निकल जा यहाँ से, अमित मेरा है, अमित को मैं संभालूंगी। नहीं दीदी, मैं तुम लोगों के सामने हाथ जोड़ती हूँ। तुम लोग क्यों क्यों मेरे इस घर में आग लगा रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मैंने मैंने हमेशा तुम्हें खुशियाँ दी, तुम लोगों का ख्याल रखा। आज मैं अपने इस घर में हूँ, बहुत खुश हूँ। अमित बहुत अच्छे, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। इतना प्यार करने वाली मुझे मेरी सास मिली है, वो मुझे कभी बहू नहीं मानती, मुझे बेटी की तरह रखती है। तुम मेरे साथ साथ इस घर के लोगों की खुशियां क्यों छीनना चाहते हो? क्यों? अरे मनीषा, ये तो इमोशनल ड्रामा कर रही है, मीना कुमारी बन रही है। ज्यादा ड्रामा मत कर, मेरी बात ध्यान से सुन। अमित ने जो तुझे 50,000 रुपए दिए हैं ना, वो रुपए मुझे दे दे। नहीं, वो मैं नहीं दे सकती। नहीं दे सकती? नहीं नहीं नहीं। तो लाना। हाँ ला रही हूँ। ओ सुन, जो मैंने बोला है ना वो हो जाना चाहिए। जपनाम।